बहुत सारे ना, ये सवाल ना मुझे कई बच्चों ने पूछा है, यंगस्टर्स आते हैं ना कई, उनके मन में ये सवाल होता है, कई लोगों के मन का होगा ये सवाल कि भगवान अहंकारी है क्या? अगर उसका नाम जपेंगे तो वो सब देगा, नहीं जपेंगे तो नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि भगवान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है तो वो अहंकारी हुआ ना, कि जो नाम जपता है उसे सारे सुख मिलते हैं, जो उसकी बड़ियाई करता है, जो नहीं करता उसे सारे दुख मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और उसी का जवाब गुरु नानक पातशाह ने इन पंक्तियों में दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये सवाल जब से सृष्टि बनी है कईयों के मन में आया होगा। बाबा आनंद सिंह जी इसका जवाब बड़े कमाल के ढंग से समझाया करते थे। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, कि जब हम नाम जपते हैं उस परमात्मा की उस्तुति करते हैं, सारी सृष्टि सारी शक्तियां उसके पास में आकर खड़ी हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सारी सृष्टि को उसका नाम उसकी उस्तत पसंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें निरंकार भागीदार नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें पड़ता है। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई लेकर जा रहा है, पान सिंह लेकर जा रहे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहीं से जा रहे हैं, अब कोई नहीं उठता, बैठा रहता है। फर्क श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नाम जपने वाला कोई गुजर रहा है, लोग सर झुकाते हैं, कमाई वाला, कई लोग नहीं झुकाते, फर्क नाम जपने वाले को नहीं पड़ेगा, फर्क सर ना झुकाने वाले को पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना। जिस पास बैठे हैं सो ही है, सबना दा विसाह। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए रुक जाएगा दुनिया उसके लिए रुक जाएगी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में खड़ा रहेगा चौर बरदार बनकर, दुनिया उसके सर पर चवर झुलाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक की उस्तत करेगा दुनिया उसकी उस्तत करेगी, ये कानून है सृष्टि का, अटल कानून। वाहो वाहो करे सही जन सोहने, तिनको प्रजा पूजन आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो का भाव है उसकी उस्तत। जो रसना जो जुबान जिस शरीर की जबान, चाहे वो कोई भी शरीर हो, स्त्री का हो पुरुष का हो कोई भी हो, इस रसना से वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह नाम जपेगी, और जिसे रस आने लग जाएगा, जिसे भूख लग जाएगी नाम की, वो जब जपेगी रसना तो उसको प्रजा पूजने आएगी ही आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे सही जान सोने, तिनको प्रजा पूजन आई। वो मन को भाएगा ही भाएगा जो नाम जपेगा जपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन नानक धूड़ मांगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं सृष्टि के मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, गुरु नानक के। एक नाम जपाने वाले की भी चरण धूड़ मांगी है गुरु ने, और यहाँ पर बात हो रही है गुरु की, निरंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, गुरु नानक को या किसी और को नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा, हमें पड़ेगा। वाणी की पंक्तियां श्रवण की हैं अभी। जे सब मिलके आखण पाए, बड़ा ना होवे घाट ना जाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं सारी सृष्टि मिलकर उसके उस्तत करे, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी उस्तत करने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा, वो तो बड़ा है। और सारी सृष्टि मिलकर उसकी निंदा करने लग जाए, उसकी बुराई करने लग जाए, वो छोटा नहीं हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जे सब मिलके आखण पाहे,
वडाना होवे घाट ना जाए, ना वो बड़ा हो जाएगा उस्तत करने से, ना निंदा करने से छोटा हो जाएगा। फर्क उसे नहीं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, फर्क हमें पड़ता है। हम जितना सत्कार गुरु का करेंगे, दुनिया उतना सत्कार हमारा करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार किसे नहीं चाहिए, जहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है आदमी दोबारा जाता है, जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ पर आदमी जाना पसंद ही नहीं करता। हर आदमी रिस्पेक्ट का भूखा है। जितनी रिस्पेक्ट गुरु को दोगे, हजार गुना ज्यादा रिस्पेक्ट दुनिया तुम्हारी करेगी। ये नियम है सृष्टि का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।